हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, बस जगह होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। चैनल बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम पूजा सैन, हम वर्सेस सुरेंद्र। आज गुरु का टाइटल है इंडियन ट्रैक वर्सेस पाकिस्तानी ट्रक कंपैरिजन बिटवीन इंडियन ट्रक एंड पाकिस्तानी ट्रक 2023। मतलब इंडिया के और पाकिस्तान के ट्रक्स का कंपैरिजन लेकर आ गया, किसके पास ज्यादा कमाल के ट्रक्स हैं ये आज हम देखेंगे, किसके पास ज्यादा मॉडर्न है और कैसे ट्रक्स हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा गाइस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत ही अच्छा है इनका कंटेंट है, तो प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए। तो भाई देखते हैं, जल्दी से काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडियन ट्रक वर्सेस पाकिस्तानी ट्रक, ये पाकिस्तान के ट्रक है। हाँ। कंपनी है जो चलती है, जो कंपनी है इधर। ये तो 1980 का ट्रक है, ये हमारे पास ट्रक पुराने, ये सजाद बुलंद की तरह सजाद जो देते हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा लुक बन जाता है। बहुत पुराने, हमारे पास बहुत पुराने ट्रक है, कोई शक नहीं। अब इंडिया की कितनी कंपनी है, हां ये इंडिया में, ये पाकिस्तान में आया, ये पाकिस्तान। इधर तो बहुत ओल्ड ट्रक है लेकिन सजाए में, सजाए हुए, बस ये बात है, वही बात है। थोड़े नए ट्रक है, ट्रक है। वापडा की गाड़ी भी पीछे आ रही है। हाँ, ये वापडा मतलब बिजली वाला मैग्मा है। इंडिया में भारत बेंज के ट्रक है। हाँ भाई, ये इनकी अपनी कंपनी है। पहले हम समझते थे बाहर के, लेकिन पहले मैं मर्सिडीज का समझता था। हाँ, वो भी अपनी है। ये क्या उसके साथ जॉइंट वेंचर में बनाते हैं? जॉइंट वेंचर में बनाते हैं भारत में मर्सिडीज के ब्रा। हाँ भाई, ट्रक और हमारे पास देखो है ना, भारत पर यार एडवांस ट्रक है, ये बात इसमें कोई शक नहीं। सही बोल रहे, हमारे पास सजे धजे में है, लेकिन बहुत 1980 के 70 के 60 के बहुत पुराने। ये देखो न्यू ट्रक है, बिल्कुल न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अच्छा, मोस्टली भारत ब्रांड्स के हैं यार। हाँ, बाकी बहुत ज्यादा है, ये तो मोस्टली ट्रक से सीखे है ना भाई। तो ये कौन सी कंपनी है? टाटा, टाटा था। टाटा का ट्रक तो यार उससे अच्छा लगा मुझे, इतना प्यारा ट्रक है यार। मतलब ये सजाए हुए हैं अच्छे, लेकिन यार अब हर चीज एक ही मजा करती है। हर ट्रक को ऐसे कैसा मजा मिलता, सही बात है। हर ट्रक अच्छा भी नहीं लगता कि यही बार दुल्हन बना। मॉडल पुराने है, उसमें कोई डाउट नहीं। मॉडल पुराने, मॉडल पुराने भाई, ये मैं आपको पहले बताऊं। ये क्या है बे, ये उसको आगे धक्के दे रहा है। अगर असल हालत में हो तो ट्रक कैसे है हमारे? हाँ, ऐसे है हमारी ट्रक, लेकिन सजा के देखो ये दूर, इसका अपना सजा हुआ वजन इतना हो गया। एक बात है, अच्छा बना हुआ अच्छा। लेकिन इसका अपना सजा के वजन इतना है, तो कहाँ से वजन उठाएगा? सही बात है, बहुत ज्यादा। हाँ भाई, उसको तो दुल्हन बनाता है, मतलब डेकोरेशन अच्छी की हुई। और सबसे बड़ी बात ये कि उधर हर तरह का ट्रक है, आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा, आपको मतलब मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ किस्म के मिलेंगे आपको। आपको हर कंपनी का ट्रक मिलेगा। हमारे पास सजाए हुए अच्छे थे, नो डाउट अच्छे लग रहे थे। हमारे पास शायद होंगे ही नहीं, लाइट नहीं है हमारे पास, नहीं देखो ये इलेक्ट्रिक ट्रक किस तरह, ये भारत का ही हाईवे जो बन रहा है उस पे ऐसे चल रही है, भारत की अपनी कंपनी लेटेस्ट।
यार अगर देखा जाए ना, मैं आपको सच्ची बात बोलूं, हमारे ट्रक पता है सजे हुए लगते हैं, बंदा कहता है बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारे ट्रक आज से कम अज कम 40-50 साल पुराने। सही बात है, सही बात है। अगर देखा जाए तो पहले वाले जो ट्रक थे वो जो आपने शुरू पे 2-3 आए थे वो तो मेरे ख्याल में 70s 90s के वो ट्रक हैं। इतने अगर देखा जाए, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि वो हमारे जो फर्स्ट में जो उन्होंने ट्रक बताए थे ना वो 80s 90s के ट्रक हैं। उनको सजा के और हमको मतलब थोड़ा मेंटेन किया हुआ है, अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं। तो बहुत वो ऐसे बहुत वो काले धुएं छोड़ते हैं ट्रक यार, वाकई बहुत काले धुएं छोड़ते हैं यार, सच में। पॉल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इधर, बहुत ज्यादा काले धुएं छोड़ते हैं ये ट्रक यार। हम गाड़ी चलाते हैं ना, हमें पता है फटने लग पड़ता है इस काले धुएं। और दूसरी बात, भारत के जो ट्रक थे वो मॉडर्न ट्रक थे। देखो भारत बेंज को होता है उधर यार, ये भारत बेंज मेरे ख्याल में भारत ने मर्सिडीज जो कंपनी है उसके साथ मिलकर ये शायद किया, क्योंकि लोगो उसी का लगा हुआ है, उसी का लगा हुआ है या मिलकर जॉइंट वेंचर में शायद काम कर रहे हैं साथ में। लेकिन देखा जाए तो मर्सिडीज के बहुत ट्रक है भारत में, वाकई में मर्सिडीज के भी, टाटा के, महिंद्रा के, अशोक लेलैंड के, और मर्सिडीज के पता नहीं। भारत की अपनी कंपनीज इलेक्ट्रिक ट्रक बना रही हैं, इलेक्ट्रिक। हाँ देखो, टाटा के पास भी है, महिंद्रा के पास भी है, अशोक लेलैंड के पास भी है, आईशर, और सारी भारत की कंपनी भी इनके भी है, शायद बनाता है कि नहीं बनाता इसका मुझे अपनी कंपनी से, और इन्होंने इलेक्ट्रिक बना लिया। हमारे पास इलेक्ट्रिक का नाम निशान नहीं है। मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रिक ट्रकों में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बहुत पोल्यूशन यार, बहुत पोल्यूशन करते हैं वाकई में यार। असल में इनका जो डीजल होता है ना, वो डीजल की वजह से बहुत काला धुआं फेंकते हैं, बहुत ज्यादा काला। और अगर जो जितना आपका ट्रक पुराना होता जाएगा उतना ही धुआं फेंकेगा। अब इंडिया के ट्रक तुमने देखे, सही जबरदस्त जा रहे थे, सब कुछ देखा है, लेकिन इंडिया में पता है एक और बात भी है। इधर हमारे पाकिस्तान में तो ये है ना कि भाई जितना मर्जी चलता रहे, उधर एक लिमिट होती है टाइम की, 10-15 साल, उसके बाद के आपके ये ट्रक। दूसरी बात मजे की आपको बताऊं, हमारे पास जो डीजल है ना वो उस क्वालिटी का नहीं आता जो भारत के पास आता है। और भारत बात ये है कि उधर पता क्या बात है, मैंने जिस तरह सुना है, आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उधर यह है कि कोई भी गाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे साल हो, 15-20 साल आप चला सकते हो, उसके बाद आप उस गाड़ी को गवर्नमेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगी। उसके बाद वो आप डंप यार्ड में, इधर मैंने 50 साल पुरानी गाड़ी चलती, 70-80 साल पुरानी मैं निकाली, जो रोड पे नॉर्मल चल रही है भाई, क्या कहते हैं वो पुराने दौर की, 40s के दौर की जो बंटू कार नहीं चलती थी, फोर्ड गाड़ी वो भी इस तरह की चलती है। आज आपका क्या कहना है, आपके पास ऐसा एक भी ट्रक नहीं था जैसा हमारे पास था, आप मॉडर्न ट्रक थे। आप मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार